राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार कम हो रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे साथ। सर, लगातार जो वैक्सीनिंग की रफ्तार है, जिस तेजी से शुरुआत हुई थी, बहुत कम हो गई है। कई सेंटर भी बंद हो गए हैं। देखिए, हम लोग तो कई महीनों से ये बात को उठा रहे थे, और जब जब हम वैक्सीनेशन की कमी की बात उठाते थे तो केंद्र सरकार के मंत्री हम पे कहते थे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आज वैक्सीन की कमी देश के हर राज्य में है। हर राज्य कह रहा है कि हमें पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही। हमने इसकी आवाज़ सबसे पहले इसलिए उठाई क्योंकि दिल्ली ने वैक्सीनेशन सेंटर्स सबसे पहले बनाए और बहुत व्यापक तौर पे बनाए, क्योंकि हमारा एक टारगेट था कि 3 महीने के अंदर हम सारी पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेट कर देंगे। समस्या ये है कि केंद्र सरकार ने इसकी कोई प्लानिंग नहीं की कि आपके देश में इतनी जनसंख्या है जिसको वैक्सीन देनी है, इतने महीने में देनी है, तो आपको कितनी वैक्सीन चाहिए, कितनी आप मैन्युफैक्चर करेंगे, कितनी आप बाहर के देशों से लेके आएंगे, इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। बल्कि आपने जो वैक्सीन बनाई उसमें 6 करोड़ वैक्सीन आपने बाहर के देशों में बांट दी, और अब समस्या ये आ गई है कि तीसरी वेव आपको दस्तक दे रही है और देश के राज्यों के ऊपर ये दबाव है लोगों का कि वैक्सीन लगवाइए, और देश के राज्यों के पास वैक्सीन नहीं। सिर्फ दिल्ली की पॉपुलेशन की बात हम करें तो 10-12% को ही अब तक वैक्सीन लगी है। तीसरी वेव की आप खुद जान रहे हैं कि दस्तक दे रही है, तो ऐसे कैसे दिल्ली को कैसे बचा पाए? देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सारी की सारी वैक्सीनेशन का कंट्रोल केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ज़बरदस्ती लिया हुआ है। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, DDMA के तहत उन्होंने ये कंट्रोल ले लिया, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। अब इसमें ये परेशानी है कि बाहर बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, इन्होंने किसी भी इस बड़ी कंपनी को अप्रूवल नहीं दिया कि वो देश में वैक्सीन लगा सके। इसीलिए इन वैक्सीन्स को आप देश में ना ला सकते हैं ना इम्पोर्ट कर सकते हैं। जो वैक्सीन देश में बन रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर केंद्र ने अपना कंट्रोल कर रखा है, उसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। तो राज्यों को इन्होंने पूरी तरीके से उनके हाथ बांध दिए। अब सिर्फ ये है कि राज्य जो है, राज्य सरकारें जो हैं भिखारी की तरह केंद्र सरकारों से, सरकार से वैक्सीन मांगती रहती है, और उनके मंत्री जो हैं अलग अलग लेवल पर कटाक्ष करते रहते हैं। पहले भी ये बातें आईं, लेकिन उसमें यह था कि टेंडर से राज्य सरकारें अपने, केंद्र सरकार ने कहा था कि अपने टेंडर निकाल ले, अपना खरीद ले, तो वैसा कुछ क्यों नहीं, वो प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी बदमाशी थी, ये समझिए एक तरीके का छल था। जिस वैक्सीन को आपने अप्रूवल ही नहीं दिया देश में, फाइजर को, मॉडर्ना को, जॉनसन एंड जॉनसन को, उसको आप इंपोर्ट कैसे कर लेंगे जब आपने ये कह दिया कि ये वैक्सीन लगी नहीं सकती? दूसरी बात, पूरे विश्व के अंदर ये बात सब लोग जानते हैं कि अगर आपको वैक्सीन इंपोर्ट करनी है तो केंद्र सरकार ही इंपोर्ट कर सकती है। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी जो है ये हैं, ये सिर्फ केंद्र सरकार से डील करती हैं, राज्यों से नहीं डील करती हैं, ये बात भी केंद्र जानता है। और जितने अलग देश हैं, सबने ये किया, सबने इन बड़ी बड़ी कंपनी से, आज नहीं 2020 में मार्च से उन्होंने इन बड़ी बड़ी कंपनियों से करार करे, सरकारों ने उनको पैसे दिए, उनको फंडिंग करी और एडवांस में बुकिंग कर ली कि इतनी करोड़ वैक्सीन वायल्स आप हमें दे दें। हमारी सरकार उस वक्त सोती रही, और अब समस्या ये है जो घर में बन रही है वैक्सीन वो भी अपर्याप्त है, जो बाहर बन रही है वो आप इसलिए नहीं लाना चाहते क्योंकि जो यहाँ बन रही है उन कंपनियों का फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी गड़बड़ी है, और पूरा देश जो है अब तीसरी वेव जो आ रही है उसके आगे जो है हम लोग बहुत वल्नरेबल हैं। हम लोगों के जो बच्चे हैं, हमारी जो पूरी की पूरी एक आबादी है, जनरेशन है, वो वल्नरेबल है। कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर जो रफ्तार दिल्ली में कम पड़ रही है, उसके लिए राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर नज़र आ रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार ने पूरी की पूरी जो वैक्सीन की पॉलिसी है, किसको लगनी है किसको नहीं लगनी, अपने हाथ में ले रखी है, जिसकी वजह से राज्य सरकारें लगातार परेशान हैं और हर राज्य में वैक्सीन की रफ्तार कम हो गई है। कैमरामैन भरत के साथ विनय सिंह।